नमस्कार दोस्तों, मैं जगतार सिंह नामदार इनफोटेक चैनल से आपका दोस्त। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं डी लिंक का एक लैंड टेस्टर। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ, यह है डी लिंक का ब्रांडेड लैंड टेस्टर और इसमें क्या क्या फंक्शन आपको मिलेंगे वो सारी चीज़ें आपको चेक कराएंगे, साथ में अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। इसके दौरान जो है मैं आपको बताता भी रहता हूँ इस पर क्या क्या है। अनबॉक्स करने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये ज़्यादातर सीसीटीवी टेक्नीशियन वगैरह और लैंड केबल टेस्ट करने के लिए, टेलीफोन केबल टेस्ट करने के लिए, साथ में सीसीटीवी के लिए बीएनसी वगैरह जो है वो भी टेस्ट कर सकते हैं, इंटरनेट केबल लैंड जो केबल होती है वो भी टेस्ट कर सकते हैं। और वो टेस्ट करके बताएंगे, पांच चीज़ें हम कवर करेंगे इस टेस्टर के ऊपर। पहली बात है इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, दूसरी चीज़ जो है कैसे यूज़ करना है और कौन कौन इसका इस्तेमाल कर सकता है वो बताएंगे। तो ज़्यादा देर ना करते शुरू करते हैं इस वीडियो को। और दो चीजें और है जो है मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो में, हम इसको कंपेयर करेंगे जो कि हमारे पास पहले से जो सीसीटीवी टेस्टर आते हैं मार्केट में उनके साथ, और ये हमारे पास कुछ रिव्यू है पिछले कई सालों से हम यूज करते हैं उसके साथ जो है इसको रिव्यू करके बताएंगे भी कैसा है, और साथ में आपको लास्ट में बताएंगे इसका प्राइस और आप कहां से इसे खरीद सकते हैं वो सब चीजें। तो ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहले मैं जो है इसे अनबॉक्स कर लेता हूँ। इस तरह से डीलिंग की जो सील है इसमें लगी हुई है प्रॉपरली दोनों तरफ से, और साथ में हमारे को यहाँ पे देखते हैं अभी क्या क्या मिल जाता है। तो इस तरह से पैकेजिंग इसकी खुल जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डीलिंक का ये टेस्टर है, और हमारे को यहाँ पे साथ में यूज़र गाइड भी मिल जाती है, और साथ में हमारे को एक बीएनसी भी मिल जाता है जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं। देखिए ये इस तरह से इसमें जो पोर्ट है, एक या दो नंबर पोर्ट पे जो है इसको बीएनसी को लगा के रखा है, यानी कि एक नंबर और दो नंबर पोर्ट को भी हम चेक कर सकते हैं। वैसे तो इस तरह की केबल हम खुद की भी बना सकते हैं जिसमें हम पावर और सब कुछ कर सकते हैं टेस्ट, बट इन्होंने बना के दिया है ताकि सिंपल जो है हम टेस्ट कर सकें जल्द से जल्द। तो देखते हैं दोस्तों कैसे टेस्ट करेंगे और क्या है, मतलब क्या रहेगा, किस तरह से यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे इन्होंने जो है पूरा मेथड बताया है भाई, कौन सी वायर कैसे लगानी है, कहाँ पे कौन सा किस तरह से टेस्ट लगाते हैं, पूरा प्रॉपरली इन्होंने वर्किंग जो है मैनुअल देख रखा है। तो ये एक अच्छी कंपनी की मतलब निशानी है जिसमें जो है सब कुछ मिलता है प्रॉपरली, और डीलिंग लिखा है काफ़ी अच्छा इसका वजन है। यहाँ पर इसका ऑन ऑफ का बटन भी है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले एस लिखा हुआ है जिसका मतलब है स्लो मोड पर चलेगा, ऑन का मतलब है ऑन और ऑफ का मतलब ऑफ। तो बैटरी ना यूज़ हो, इसकी ख़त्म ना हो जाए जल्दी, तो इसलिए ऑन ऑफ का बटन भी इसमें प्रॉपरली दिया हुआ है। और इसका जो मॉडल नंबर है NTL CT001 है, ठीक है जी। तो ये इसमें दोनों तरफ जो है रिसीवर और सेंडर है, देखिए ये एक रिसीवर होता है और ये सेंडर होता है, इस तरह से काम करता है। जब हम टेस्ट करते हैं इसे तो ज़्यादातर ए जो है या तो हम कैमरे वाली साइड पर लेके जाते हैं यानी कि लैन केबल के एक सिरे पर, और दूसरी तरफ जो है मेन जो पॉइंट है वहाँ पे इसे रख देते हैं, यानी कि हम इसे जो है एक बंदा भी इसे टेस्ट कर सकता है प्रॉपरली। जैसे मान लो ये जो है हम एक जगह पे लगा के रख देते हैं और दूसरी जगह पे जाके टेस्ट कर लेते हैं भी हाँ यहाँ पे क्या सिग्नल आ रहा है उसका, तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं अभी दूसरी तरफ जहाँ पर हमने इसे कनेक्ट कर रखा है। तो टेस्ट करके बताते हैं आपको प्रैक्टिकली। और साथ में यहाँ पे बकायदा इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, यानी कि 60 वोल्ट DC से ज़्यादा जो है इसमें पावर ना दें, नहीं तो ये ख़राब हो सकता है, यानी कि बर्न हो सकता है, यानी कि हम इसमें एक तरीके से देखा जाए तो एक्स्ट्रल पी ओ ई वाले जो हैं उसमें 48 से 52 वोल्ट रहते, तो उनको भी हम टेस्ट कर सकते हैं इसी में, तो कोई ख़राब नहीं होने का डर है। लेकिन 60 वोल्ट से ज़्यादा जो है अगर आपकी लैन में ट्रांसफ़र हो रही है डाटा, तो फिर जो है या आपकी वोल्टेज ज़्यादा ट्रांसफ़र हो रही है कहीं पे, तो उसे टेस्ट करेंगे तो ये एक बर्न हो सकता है। तो इन्होंने बकायदा यहाँ पे वाइड 60 वोल्ट DC से ज़्यादा जो है इसमें पावर जो है सपोर्ट नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पे मेड इन चाइना लिखा हुआ है और सीरियल नंबर देख रखा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इसका जो बैक है कैप है इस तरह से खुलती है, और साथ में हमारे पास इस तरह से जो बैटरीज आती हैं 9 वोल्ट की वो इसमें लग जाती हैं। ये नॉर्मली मार्केट से मिल जाती हैं, काफ़ी सस्ती होती हैं, और हमारे पास अभी जो है मैंने एक बैटरी थी जो हमने यहाँ पे इसके साथ लगा के रखी है, और यहाँ पे इसे भी जो है ऑन करके हम इसमें लाइटें देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है मैं आपको कैसे लगाते हैं बैटरी वो दिखा देता हूँ। एक काम हम इससे भी कर सकते हैं लेकिन काफ़ी जो है कॉम्प्लिकेटेड रहता है, प्रॉपरली नहीं चेक कर सकते इससे, क्योंकि इसमें कभी वायर हिलेगी, कभी जुड़ेगी, कभी ढंग से जॉइंट पॉइंट जोड़ने मुश्किल हो जाते हैं। अभी हमने एक वीडियो बनाई है जो कि हाई बटन में है जिससे आप चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर को हम सीसीटीवी में कैसे काम ले सकते हैं। फिलहाल जो है हमारे पास सीसीटीवी टेस्टर है और ये बैटरी है, और इसमें जस्ट जो यहाँ पे बड़ा है जो पॉइंट जहाँ पे लगेंगे वहीं पे लगेंगे, इसमें ज़्यादा मतलब कोई सोचने वाली बात नहीं है, बस पॉजिटिव नेगेटिव जो है बड़े वाला पॉइंट बड़े में और छोटे वाला पॉइंट छोटे में जो है प्रॉपरली लग जाता है पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से, और ये बैटरी जो है नॉर्मली इसमें फिट आ जाती है, और इस तरह से फिर जो है कैप यहाँ पे इस तरह से ये लग जाती है। और उसके बाद अगर हम इसको ऑन करते हैं तो देखिए इसमें रेड लाइट जो है ब्लिंक होनी शुरू हो जाती है, और अगर एस पे रखते हैं थोड़ी ये धीरे ब्लिंक होती है, मतलब ये स्लो मोशन पे हम चेक कर सकते हैं वेट करके, थोड़ा सा कई बार होता है ना फास्टली चेक करना है तो हम ऑन पे रखेंगे, अगर हमने धीरे से चेक करना है धीरे धीरे पॉइंट चलें तो एस पे चेक करेंगे। तो इस तरह से अब हम जो है केबल चेक कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम कर लेते हैं अपनी सीसीटीवी की वायर चेक बीएनसी से। तो एक वायर हमने यहाँ पर सैंपल बना के रखी है उसके साथ टेस्ट कर लेते हैं। एक वायर है यानी कि अगर मान लो ये कॉर्नर कैमरे के पास रखो चाहे DVR के पास हो, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, बस जैसे इसमें लगा दिया, ठीक है, बीएनसी इसमें लगा दिया जैसे हम लगाते हैं, उसके बाद हम इसे ऑन कर देते हैं इस तरह से, जैसे यहाँ पे लगा दिया, चाहे कैमरे वाला सिरा हो चाहे DVR वाले
साइड पे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये वायर चेक करेगा प्रॉपरली। और दूसरी तरफ जो है हमारा, जैसे ये मैंने रख दिया है, और जो दूसरा सिरा है इसे जो है मैं मतलब यहाँ पे लगा देता हूँ। इस तरह से हमारा जो है एक तरह से कनेक्शन हो गया इनका, और यहाँ पे जो जहाँ पे RJ45 लगे वहाँ पे इसे लगा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जब ये क्या करेगा 1, 2, 3, 4 ये सारी सारी बारी बारी से सभी वायरों को चेक करेगा। बट यहाँ पे हमारी 1 और 2 पे लाइट जली है, तो जब भी इसकी बारी आएगी तो 1 और 2 की यहाँ पे लाइट जलेगी। इस तरह से इसमें लाइट जल रही है, बट थोड़ा फास्ट जल रहा है तो हम इसे स्लो कर देते हैं, ताकि हम जो है प्रॉपरली चेक कर सके इसमें जो है स्लो में। इस तरह से स्लो में और फास्ट में हम चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा भी यहाँ से टेस्ट हो रहा है। अगर हम मान लो हमारी जो वायर है कहीं से ब्रेक हो चुकी है, यानी कि हमारी जो है वायर टूट चुकी है, तो उसमें लाइट नहीं जलेगी। तो वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी ग्राउंड वाली वायर है इसे हम खोल देंगे। हमने यहाँ पे खोल दी है, अब देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो हमारे को वही वायर जलेगी, जो वही लाइट जलेगी जो हमारी वायर चली हुई है, यानी कि 1 मतलब जो है सेंटर वाली तार और ग्राउंड मतलब ग्राउंड। अगर मान लो हम इन तारों को जो है शॉर्ट कर देंगे, तो मेरे हिसाब से जो है 1 वाली और 2 वाली लाइट जो है इकट्ठी जलेगी, और दोनों की ही लाइटें जो है बारी बारी से चलेगी। इससे मतलब ये भी पता लग जाता है कि आपस में टच है। तो देखिए मैंने अब जो है शॉर्ट कर दिया। अगर मान लो हमारी वायर शॉर्ट है, ठीक है, तो इसमें लाइट नहीं जलती है, इनकी सेंड मतलब जो दूसरी तरफ है इसमें लाइट नहीं जलती है, इनकी दोनों आपस में टच है, तो इसका मतलब है शॉर्ट है। शॉर्ट हो या मतलब नहीं चल रही हो तो लाइट नहीं जलती है। तो इस तरह से ये टेस्ट होती है BNC वाली वायर। तो अब हम जो है यहाँ पे ये हम खोल देते हैं और लैन टेस्ट कर लेते हैं। हमने एक लैन केबल भी, जो हमारे पास बहुत सारी लैन केबल हैं, तो ये एक हमारी छोटी सी लैन केबल है। आप चाहे जितनी मर्जी बड़ी लैन केबल चेक कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। मेरे हिसाब से 200-300 मीटर जो है, हमने 305 मीटर का हमारे पास रोल था, उस पर भी पूरी चेक की है और प्रॉपरली ये बताता है, कोई दिक्कत नहीं आती भी कितनी दूर है। लेकिन हमारी 305 मीटर मैक्सिमम हमारे को लेंथ आती है, तो पूरी चेक हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे हम डालेंगे। यहाँ पे एक और पोर्ट है जो कि टेलीफोन की वायर है, वो भी हम चेक करेंगे और इस तरह से हम इसमें लगा देते हैं। तो इसमें क्या है, दो पोर्ट है, देखो एक तरफ टेलीफोन का पोर्ट है, एक तरफ ये है, और इसमें जो है मिनिमम 6 पॉइंट वाला जो है टेलीफोन है, लेकिन उसमें 2, 4 और 6 वाली तारों कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह से जब हमने इसे लगाया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इस तरह से सारी लाइटें इसमें प्रॉपरली जल रही हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक जो है प्रॉपरली ये चल रहा है, और सारी वायरें जो हैं यानी कि टेस्टेड हैं। तो मान लो कोई वायर नहीं चलती है तो उसकी लाइट नहीं जलेगी, या अगर आपस में कोई तारे टच है तो वो आपस में भी पता लग जाता है। जैसे 3 नंबर की वायर आई तो कोई और लाइट जलेगी, तो इट मीन्स भी वो आपस में टच हैं, तो इकट्ठी लाइट भी जल पड़ती है। तो इस तरह से मतलब जो है अगर कोई तार गायब है, अगर टच ही नहीं है, जैसे मान लो यहाँ पे अगर इसका कनेक्टर ही ख़राब है, तो यहाँ पे जो है कोई लाइट जलेगी भी नहीं, मतलब कि ये बताएगा ये वायर ही नहीं टच है, तो फिर उसको सेंस कैसे करेगा। तो उसकी लाइट जो है यहाँ पे नहीं जलती है। तो इस तरह से जो है ये लैन टेस्टर था, और हमारा CCTV की BNC वायर भी हम टेस्ट कर सकते हैं। तो अब बारी है मतलब हमारी टेलीफोन की वायर की टेस्ट करने की, तो वो भी हम जो है यहाँ पे टेस्ट करके आपको बता देते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो नॉर्मली टेलीफोन की वायर आती है जिसमें 4 पॉइंट होते हैं, लेकिन इसमें 2 ही वायरें हैं, इनको जो है चेक करने के लिए हमारे पास जो ये इसका जो रिसीवर है इसमें हम यहाँ पे इसमें लगा देते हैं। इस तरह से जैसे मतलब टेलीफोन की वायर का रिसीवर जो है रिसीवर में हम लगा देंगे, चाहे जो रिसीविंग वाले पॉइंट में एक तार लगाते हैं, दूसरी तार जो है हम यहाँ पे लगाते हैं जो कि इसका पॉइंट है। इस तरह से जब हमने टेलीफोन की वायर लगा दी है, तो इसमें आप देख सकते हैं जो 2 पॉइंट इसके यूज़ होंगे कौन कौन से हो रहे हैं, संदीप जी हमारे को बताएंगे कौन से 2 पॉइंट यूज़ हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें जो है 1, 2 नंबर जो है वायर है वैसे वो गायब है, तो 3rd और 4th जो है यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारे को 6 पॉइंट होते हैं, तो उसमें जो सेंटर के 2 पॉइंट है वो यूज़ होंगे। तो इस तरह से जब 2 पॉइंट हमारे टेस्ट हो रहे हैं, तो इट मीन्स भी दोनों जो है ओके हैं, दोनों तरफ बराबर लाइट जलेगी। इस तरह से हम टेस्ट कर सकते हैं अपनी टेलीफोन की वायर, लैन केबल और BNC जो हमारी CCTV की 3+1 वायर की जो वीडियो वाली वायर होती है उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो ये 3 तरह से जो है हमारे को ये काम में लाया जा सकता है, लैंड टेस्टर इसको बोलते हैं। और ये डीलिंग कंपनी का है, ब्रांडेड है, और हो सकता है इसमें कोई वारंटी भी हो, इन्होंने लिखा होगा यहाँ पे। वारंटी के बारे में इसमें ज़्यादा तो नहीं लिखा है, लेकिन मेरे हिसाब से डीलिंग का है तो वारंटी तो होगी ही। और ज़्यादा ना बताते हुए मैं आपको रिव्यू करना चाहूँगा। अब यही सारी चीज़ टेस्ट जो है हम जो है नॉर्मली को इसका कंपेयर करके बताता हूँ। नॉर्मली हम ज़्यादातर ये वाला लैंड टेस्टर यूज़ करते हैं पिछले कई सालों से, और ये लगभग 200-300 रुपये का मार्केट में मिल जाता है, लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली है, लगभग 100 रुपये से 1000 रुपये के बीच में मार्केट में मिलता है। ये डीलिंग का ब्रांडेड है, तो हमने सोचा चलो क्यों ना हम ब्रांडेड यूज़ करें, अच्छी क्वालिटी के टूल्स यूज़ करें, तो हमने ये प्रोडक्ट मंगाया है अपने टीम के लिए। वैसे नॉर्मली हमारे पास ये वाले डिवाइस जो है बहुत सारे पड़े होते हैं, जैसे मतलब हर साल लगभग हम जो है 5 डिवाइस जो है अपनी टीम में देते हैं, और कुछ महीने बाद चलने के बाद जो है लगभग ये ख़राब हो जाते हैं, बट हर साल जो है हमें नए लेने पड़ते हैं। तो इस बार हमने डीलिंग लिया है, देखते हैं इसका कितने रिव्यू होने वाला है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है अभी ये ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा, और इसमें हमारे पास BNC की वायर भी टेस्ट करने का मतलब है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से जो है हमारे को हेल्प करेगा। और दोनों का जो कंपेयर किया जाए तो नॉर्मली है, दोनों ही ठीक हैं, टेस्ट करने में बराबर ही है, दोनों की फैसिलिटी, इसमें भी ऑन और स्लो का बटन है, लेकिन नॉर्मली ये जो है जल्दी ख़राब हो जाते हैं। लोकल कंपनी है, चाइनीज़ है, और ये भी चाइनीज़ है, बट ये डीलिंग कंपनी का है, अच्छा है क्वालिटी में।
तो साथ में दोनों में 9 वोल्ट की बैटरी लगती है, जो कि मतलब जो है रिमूवेबल है और जब ख़त्म हो तो चेंज कर सकते। तो ये दोनों का कंपैरिजन था और हमने आपको ये प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू बताया। लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें थी मतलब जो इस प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको बताई, और इतना ही बताते हैं। मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।